फ्रेंड्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो ऑन यूज ऑफ री आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वर्ड में हम री का कब कहाँ और कैसे यूज करें तो चलो आप सीखते हैं क्या होता है री री मीन्स होता है अगेन यानी कि जब आप किसी काम को दोबारा करते हो तो उसके लिए आप री का यूज करते हो लाइक like अगर स्कूल दोबारा ओपन होना है तो हम बोलते हैं री ओपन किसी कार्य को अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो आप बोलोगे री डू इट री इट री इट क्लियर बट यहाँ एक चीज मैं आपको बता दू ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो री से शुरू होते हैं लेकिन हर री का मतलब अगेन नहीं होता लाइक रिलीज रिटर्न रिप्लेस रिफॉर्म रिमार्क रिसाइट सो और तो ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो री से ही शुरू होते हैं लेकिन उनका मतलब अगेन नहीं होता है तो चलिए आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं है कि कहाँ और कब आप समझोगे कि कहाँ पर री का मतलब अगेन है और कहाँ पर री का मतलब अगेन नहीं है कम ऑन लेट्स डू इट ना ओवर फर्स्ट वर्ड इज रीएक्ट रीएक्ट एंड रीएक्ट सो रीएक्ट मीन्स एक्ट अगेन एंड रिएक्ट मीन्स रिस्पॉन्ड सो रीएक्ट यानी कि जब किसी कार्य को आप दोबारा करते हो तो आप बोलोगे रीएक्ट एंड रिएक्ट का मतलब हो जाता है रिस्पॉन्ड करना आइए एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्ट अगेन टू गिव द रियल टच द एक्टर्स रीएक्टेड द सेम सीन मेनी टाइम्स यानी कि रियल टच देने के लिए एक्टर्स ने एक ही सीन को कई बार एक्ट किया तो उसको हम बोलेंगे दे द वन सीन मेनी टाइम्स और अब रिएक्ट पर आते हैं शी डिडंट रिएक्टेड टू माई वर्ड्स उसने मेरे वर्ड्स पर मेरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए हम रिएक्ट का यूज करेंगे याद रहे जब आप रिएक्ट यूज करोगे तो आप पर स्ट्रेस देकर के आप पॉज दोगे इसलिए यहाँ पर पॉज दिया गया है रिएक्ट एंड रिएक्ट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट आइए चलिए सीखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉल सो रिकॉल कॉल मीन्स कॉल अगेन यानी कि दोबारा बुलाना एंड रिकॉल विज रिमेंबर यानी कि याद करना आप चलो एग्जाम्पल से समझते हैं लाइक like, रिकॉल का आप अगर एग्जाम्पल ले लो तो ड्यू टू हिज ऑनेस्टी ही वॉज़ रिकॉल्ड बाई द बैंक मैनेजर अपनी ऑनेस्टी की वजह से ही बैंक मैनेजर के द्वारा वो दोबारा बुलाया गया एंड रिकॉल की बात करें तो रिमेंबर करना लाइक आई आई ऑलवेज रिकॉल माई चाइल्ड हुड डेज आई रिकॉल माई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स एंड सो ऑन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रीसाइट एंड रिसाइट सो रीसाइट मीन्स क्या होता है साइट अगेन एंड रिसाइट मीन्स टू से अलाउड फ्राम मेमोरी अभी आइए हिंदी में समझते हैं रीसाइट मीन्स क्या होता है साइट मीन्स क्या होता है प्रेस करना यानी कि प्रशंसा करना कहीं कहीं इस साइट का मतलब सपोर्ट करना या प्रूफ देना भी होता है सो रीसाइट का मतलब प्रेज अगेन एंड अगेन ठीक है गिव सपोर्ट रिपीटेडली एंड सो ऑन एंड रिसाइट का यूज़ हम जनरली पोएम के लिए यूज़ करते हैं जब हमें पोइट्री uh, सुनानी होती है तो हम बोलते हैं रिसाइट द पोएम क्लियर आइए एग्जाम्पल से समझते हैं अब अगर आप साइट का मतलब प्रेस से लेते हैं यानी कि प्रशंसा से तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो लाइक ही हैव बीन रीसाइट मैनी टाइम्स फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर और लिट्रेरी वर्कस यानी कि उसकी बार बार तारीफ़ें की गई हैं इंग्लिश लिटरेचर या लिट्रेरी वर्कस के लिए उसके कंट्रीब्यूशन के लिए और अगर हम साइट का यूज़ एज अ सपोर्ट या प्रूफ करते हैं तो उसके लिए भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो लाइक ही रीसाइट मैनी इंस्टेंसेज ऑफिस फ्रेंड्स मर्डर यानी कि उसने अपने फ्रेंड्स के मर्डर के कई एग्जाम्पल दिए बार बार रिपीटेडली इसके सपोर्ट में तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं रिसाइट यानी कि प्रूफ देना और जब हम बात करते हैं रिसाइट की तो रिसाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइट द पोएम यानी कि पोएम सुनाओ आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा यूज ऑफ री आपको कैसे यूज़ करना है और जिस सेंटेंस में ऑलरेडी आर ई लगे होते हैं उन्हें आप कैसे प्रनाउंस करोगे नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रीड्रेस एंड रिड्रेस सो रीड्रेस मीन्स क्या हो जाता है ड्रेस अगेन एंड रिड्रेस मींस या फिर रेमेडी आइए एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल हम जानेंगे रीड्रेस यानी कि ड्रेस अगेन एग्जाम्पल लाइक She was feeling uncomfortable in sari. So she redressed herself in the same comfortable cloth, like gown or lower t-shirt, cafe, whatever the dress in which she was quite comfort So we can use this word, redress. And now come to the next word: redress. And redress means. सेट राइट यानी कि उसको करेक्ट पोजिशन में लाना और कहीं कहीं इसकी मीनिंग रेमेडी भी होती है यानी कि कोई उपचार अब इसके लिए आप रिड्रेस के लिए एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक like, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है ड्यू टू दिस कोरोना एवरी गवर्नमेंट डिड अटेम्प्टू रिड्रेस सम ऑफ द जेन्यून ग्रीवेंसेज ऑफ द पब्लिक यानी कि पब्लिक की अब कई प्रॉब्लम्स को का समाधान गवर्नमेंट कम करने की कोशिश बहुत कर रही है एक समाधान जो निकाल रही है उसके लिए हम रिड्रेस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और अगर हम और एग्जांपल लाइक like आप बोल सकते हो द गाइडेंस रिलेटेड टू कोरोना वायरस शुड बी री रिटेन टू रिड्रेस सम ऑफ द ऑमिशंस यानी कुछ ऐसे ओमिशंस हैं जो गलतियां हैं जो भूल जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन देना तो उसके लिए हमें फिर से रिड्रेस करना चाहिए यानी इट मस्ट बी सेट राइट आइए आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रीफॉर्म एंड द रिफॉर्म सो रीफॉर्म मीन्स फॉर्म अगेन एंड रिफॉर्म मीन्स इम्प्रूव एग्जाम्पल से समझते हैं रिफॉर्म यानी कि फॉर्म अगेन यानी कि फिर से बनाना अब इसके वो आप एग्ज़ाम्पल में लाइक कैन यू रिफॉर्म बटर इन टू मिल्क क्या आप बटर को मिल्क में चेंज कर सकते हो ठीक है एंड रिफॉर्म मींस इम्प्रूव यानी सुधार अभी हम बोल सकते हैं लाइक वी ऑल नीड टू रिफॉर्म आवर बैड हैबिट्स वी ऑल नीड टू रिफ़ॉर्म आवर डेली रूटीन हैबिट्स क्लियर आइए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिलीज एंड रिलीज सो रिलीज मीन्स क्या हो जाएगा लीज अगेन एंड रिलीज मीन्स सेट फ्री यानी कि फ्री छोड़ देना और अभी लीज का मतलब पहले समझते हो तो आप रिलीज समझ जाओगे लीज मीन्स होता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी कन्वेज लैंड प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज टू अनदर फॉर स्पेसिफाइड टाइम फॉर फिक्स टाइम के लिए जब हम किसी को अपना लैंड या प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो उसे हम बोलते हैं लीज एंड रीलीज का मतलब दोबारा उसी काम को करना एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो लाइक ही रीलीज his प्रॉपर्टी टू अ लोकल company for one year. यानी कि उसने अपने शहर के local company को अपनी property one year के लिए और दे दिया contract पर एंड रिलीज यानी कि सेट फ्री आजाद हो जाना अभी इसके लिए हम बोल सकते हैं आइए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर द नेक्स्ट वर्ड इज रीमार्क एंड रिमार्क सो री मार्क मीन्स होता है मार्क अगेन एंड रिमार्क मीन्स होता है कमेंट यानी कि कमेंट देना अभी आइए देखते हैं रीमार्क का यूज करना एग्जाम्पल लाइक द नोटिस वॉज रिटर्न इन अ बोल्ड लेटर इवन देन प्रिंसिपल द दाइन्स विद द मार्करस यानी कि नोटिस बोल्ड लेटर्स में लिखे होने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने उन लाइन्स को मार्कर से रिमार्क करके और भी ज़्यादा हाईलाइटेड कर दिया और रीमार्क रिमार्क में सोता है कमेंट अब अगर इसको मैं अपने लिए भी ले लू तो गलत नहीं होगा कि दैट प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो फॉरगेट टू रिमार्क इन माई कमेंट बॉक्स अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आ रही है सो so प्लीज आप अपना गुड रिमार्क देना नहीं भूलिएगा आइये आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर के नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज रीप्लेस एंड रिप्लेस सो रीप्लेस मेंस प्लेस अगेन एंड रिप्लेस मेंस सप्टीट्यूट फॉर अभी आइए इसकी हिंदी में मीनंग समझते हैं रिप्लेस मेंट्स होता है किसी एक वस्तु को उसी स्थान पर दोबारा रख देना जबकि रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं He replaced his bag from table to desk. यानि कि उसने अपने बैग को टेबल से फिर से डेस्क में रख दिया और जब हम बात रिप्लेस की करते हैं तो इसके लिए हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं लाइक कैन यू रिप्लेस माई ओल्ड मोबाइल फॉर न्यू एंड यानि कि क्या तुम मेरी ओल्ड मोबाइल लेकर के मुझे न्यू मोबाइल दे सकते हो क्लियर नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रीस्टोर एंड रिस्टोर सो री स्टोर अगेन एंड रीस्टोर मींस गिव बैक और ब्रिंक बैक चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं री यानी स्टोर, स्टोर अगेन किसी भी चीज को दोबारा स्टोर करना यानी कि इकट्ठा करना फॉर एग्जांपल माय फादर रीस्टोर द स्टॉक ऑफ ग्रॉसरीज यानी कि मेरे फादर ने ग्रॉसरीज के स्टॉक को फिर से रिस्टोर कर दिया यानी कि फिर से भर दिया अब जब हम रिस्टोर की बात करते हैं यानी कि गिफ्ट बैक या ब्रिंग बैक तो इसके लिए भी देखते हैं पहले गिव बैक के लिए एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि द लैंड विल बी रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल लैंड ओनर यानी कि लैंड जो है इसके ओरिजिनल लैंड ओनर को गिव बैक दे दी जाएगी तो हम रिस्टोर यूज करते हैं और जब हमें ब्रिंग बैक किस सेंस में यूज करना है यानी कि वापस लाना तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं लाइक इट इज डिफिकल्ट टू रिस्टोर हिम टू ऑफिस वंस अगेन यानी कि उसे ऑफिस वापस लाना बहुत ही डिफिकल्ट है आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक थंब नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रेस एंड रिट्रेस सो रिट्रेस मींस ट्रेस अगेन एंड retrace means गो बैक सो रिट्रेस की अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे तो वो होता है इन्वेस्टिगेट करना यानी कि जांच पड़ताल करना और रिट्रेस का मतलब होता है गो बैक यानी कि वापस जाना अभी एग्जाम्पल से समझिए एग्जाम्पल लाइक retrace का अगर हम लेते हैं पुलिस वर ट्राइंग टू रिट्रेस रीजन ऑफ इज मर्डर यानी कि पुलिस कोशिश कर रही थी कि फिर से ट्रेस करे इन्वेस्टिगेट करे कि उसके मर्डर के पीछे क्या रीजन था और जब हम रिट्रेस करते हैं यानी कि गो बैक तो इसके लिए आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो लाइक सींग्रेस स्टेप्स यानी कि लॉयन देख करके वो अपने कदम को पीछे बढ़ाने लगा क्लियर है नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट्रेन एंड रिस्ट्रेन सो रिस्ट्रेन मीन्स फोर्स करना बार बार फोर्स करने के लिए हम बोलते हैं रिस्ट्रेन जबकि रिस्ट्रेन मीन्स होता है होल्ड बैक मीन्स प्रिवेंट करना यानी कि रोकना अभी आइए इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करोगे आप ये देख लो फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रेन आई रिस्ट्रेन माई हैंड्स टू कैच द फिश

and return means come back or give back now let's take a example return yani ki dobara ghumana iske liye aap example use kar sakte ho like she loves to turn and return the key ring every time yani ki usse bar bar apne key ring ko turn karna ghumana acha lagta hai और अगर हम return की बात कर सकते हैं तो हम uh, example use यूज़ कर सकते हैं कैन यू प्लीज़ रिटर्न माय पेन ठीक है या फिर माय फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस क्लियर गाइज़ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ आप इसे लाइक करना और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाय बाय